दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपने शेयर्स के बारे में तो सुना ही होगा, आपने पैसा इन्वेस्ट भी किया होगा। कभी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप शेयर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हो। दोस्तों ये तो बात गलत है कि आप इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हो, पर आज हम आपको स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, जिस प्राइस रेट पे आप शेयर खरीदते हो और उसके बाद उन्हें रिटर्न करके बेचते हो, तो दोस्तों आपको उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कभी कभी आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आपको पता भी नहीं होगा, और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। इसमें आपके माइंड की स्ट्रेटेजी वर्क करती है, आपको कैसे शेयर्स खरीदने हैं और कैसे बेचने हैं। दोस्तों ये कंटेंट हमारे चैनल पर नया है, अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो बता दीजिए, हम उसके लिए नई वीडियो ज़रूर डालेंगे। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो भाई ज़रूरी हम इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं, हम आपको कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जो मार्केट में अपने नए नए शेयर लेके आती हैं। जैसे दोस्तों अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कंपनियाँ हैं इनमें कम पैसे से आप इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी क्या कि चलिए उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा और सजेशन देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो डीमेट अकाउंट जल्दी बना लीजिए। अगर आपको चाहिए डीमेट अकाउंट की लिंक, आपको डीमेट अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आ जाएगी। दोस्तों अभी क्या है कि अभी जान लेते हैं हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और नए इन्वेस्टर्स जो कुछ जानते नहीं इस चीज़ के बारे में, उन्हें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी काफ़ी ज़्यादा पैसे में आपको शेयर्स देती हैं और आपको लॉस भी हो जाता है। मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी अच्छी कंपनी बता देता हूँ जिनमें आपको लॉस इतना नहीं होगा और दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आती है नए इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी TCS। इसमें थोड़ा प्राइस हाई है, आप इसके शेयर्स 3,348 रुपये में खरीद सकते हो और दोस्तों आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है वो है इन्फोसिस। इस कंपनी में दोस्तों आप 1675 रुपीज़ के शेयर खरीद के बेच सकते हो, 1675 रुपीज़ ही आपको लगाने और उसके बाद काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे HDFC बैंक के भी शेयर आप खरीद सकते हो, उसमें आपको 1494 रुपये लगाने पड़ेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों फिर आती है ITC। ITC में आप 208 रुपीज़ से ही शेयर्स खरीद सकते हो, इन्वेस्ट करके इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया और इस बीच काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है नए इन्वेस्टर्स का और नए लोगों का। दोस्तों फिर आती है अपनी रिलायंस में आपको क्या है कि 2115 रुपये से ही शेयर्स खरीदने और इन्वेस्ट करना है अच्छे से, और इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा और इसके शेयर्स भी कम गिरते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिर दोस्तों हमारी कंपनी आने वाली है जो नेक्स्ट है वो है L&T। तो दोस्तों आपने L&T कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, L&T कंपनी लार्सन एंड टर्बो। अगर दोस्तों आप इसके 1584 रुपीज़ के शेयर्स खरीदते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे से आप प्रॉफिट कमा के उन्हें बेच भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये कंपनी ऐसी हैं जिनके शेयर्स खरीदने में आपको फ़ायदा हो सकते हैं, नए इन्वेस्टर्स इनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है एशियन पेंट्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा, इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, इसके शेयर्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है और दोस्तों ये यहाँ पर आप 2969 रुपये में ले सकते हो, यानी कि 2969 रुपये में इसके शेयर्स आप खरीद सकते हो। और अगर आपको लगता है भाई ये ठीक नहीं है और आप टाइम से पहले इन्हें प्रॉफिट के हिसाब से सेल भी कर सकते हो। हाँ कभी कभी इस कंपनी में लॉस चला जाता है, पर हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, जो मैंने कम पैसे में यहाँ पे आपको कंपनी बताई है ये और भी ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉल लिमिटेड, ये कंपनी भी काफ़ी ठीक है। इस कंपनी में कोयले का ज़्यादातर काम होता है, खैर हमें काम से क्या लेना, जो इसके प्राइस सबसे सस्ते हैं 144 रुपये में आप इसके प्राइस शेयर्स खरीद सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप
शेयर मार्केट में नए और दोस्तों आपको पता नहीं है कैसे आपको काम करना चाहिए, तो इस बारे में हमारी और भी वीडियो आएंगी, तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मैंने जो ये कंपनी बताई है ना, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इनमें आप कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, और डेली टू डेली हमारी वीडियो आती रहेंगी शेयर मार्केट के ऊपर और आपको बताते रहेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आज किस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिले, कितने दिन तक होल्ड करें पैसे को और आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। दोस्तों आपसे यही उम्मीद है, आप ये वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर लगता है कि आपको घर बैठे ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, अगर आपको कोई अर्निंग का नया सोर्स तैयार करना है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फाइनली आप समझते हुए होंगे कि जो मैंने कंपनियाँ बताई हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट रहेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी अकाउंट खुला नहीं है, तो आप इस चैनल पर कमेंट छोड़ दीजिए और हम आपको नई वीडियो ला के देंगे डीमैट अकाउंट पर। और दोस्तों आपको ये बताएंगे आप कौन सी एप्लीकेशन के जरिए इन सब में प्रॉफिट कमा सकते हो और आप शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।